जब हम पैदा होते हैं हमें जिंदगी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे रिश्तेदार भी मिलते हैं, माँ बाप, दादा दादी, चाचा, मामा वगैरह वगैरह। लेकिन एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं और वो है दोस्ती का रिश्ता। शायद इसीलिए हम अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्रॉस रोड आते हैं जहां हमारे बेस्ट फ्रेंड से भी हम चीज छुपाते हैं। शिवम, तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? देख, दोस्त मानता है तो बताना। जूनियर थी यार वो मेरी। 2 साल से तुम मेरा पीछा कर रहे हो, बंद करो ये सब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर मैंने उसे मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। सॉरी सॉरी, इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, ये मेरी बहन है रितिका। कम ऑन शिवम, मन में जो है बता दे ईशान को। मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। क्या वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है? है नहीं था। उसने क्या किया? निशा दी को भगा कर ले गया वो। इसके बाद तो दोस्ती से भरोसा ही उठ गया था मेरा यार, और फिर तू मेरी लाइफ में आया। तुम्हारे भाई अभी एक दूसरे के दोस्त बने हो, लेकिन शिवम हम तो एक दूसरे को कब से जानते हैं ना? नहीं, वो टूट जाएगा। सर, जरूरी नहीं है कि हर बार किसी को प्यार मिले, कभी अपने दोस्त के लिए प्यार की कुर्बानी भी देनी चाहिए। हर बार क्यों प्यार कुर्बान हो, कभी दोस्ती भी तो कुर्बान होकर दिखाए ना। हमारे पंजाब में दोस्त के लिए जान दे देते हैं, और लड़की क्या है, लड़की आज है कल है, लेकिन दोस्ती कभी नहीं मिलती। लड़की आज है कल है, निकल नहीं है चली जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? ये आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये नहीं चलेगा। अरे ये नहीं गर्लफ्रेंड, जेब में दोस्तों ये रहा। औरत का दर्जा बहुत ऊपर है, वो कोई चीज नहीं है जिसे हम जेब में लेके घूमें। इंसान अपने दोस्त की बहन से प्यार करने लगता है तो कहाँ दोस्ती में प्रॉब्लम आ सकती है यार? We live in a society, तो एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट रहता है। इमेज क्या रहेगी? युवा पीढ़ी, समाज के बारे में मत सोचो यार।